Subscribe and press the bell icon to never miss the videos from ibpsguide.com. हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम अपने जो IBPS PO की 2019-20 की नोटिफिकेशन आई है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे. इसमें हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और आपकी एप्लीकेशन फीस क्या है. और देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, एज हम एंड में अपने रीजनिंग सेक्शन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे अपने रीजनिंग सेक्शन की फॉर एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो. तो देखिए, ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स है. अब हमारी नोटिफिकेशन रिलीज कब हुई थी, वो हुई थी 22 अगस्त 2019. आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब हुआ है, 7 अगस्त, और लास्ट डेट क्या है, 28 अगस्त. तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 28th या लास्ट डेट का वेट मत करो, आप अभी अपना फॉर्म फिलअप कर दो. ओके, उसके बाद देखिए आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कॉल लेटर कब डाउनलोड होगा, वो होगा सितंबर में. और ट्रेनिंग कब होगी, 23rd 9 और 28 9, इन दोनों इसी के बीच में होगी, 23rd और 28 के बीच में. फिर एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आ जाएगा. और ये देखिए, ये आपकी मेन कुछ देखिए इसमें डेट्स है जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी हो गई प्री एग्जामिनेशन डेट, आपका फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है और इसकी लास्ट डेट कब है. तो देखिए, इसमें हम देख रहे थे कि हमारी प्री की डेट क्या है, वो है 12, 13, 19 एंड 20 अक्टूबर. ओके, उसके बाद आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका मोस्ट प्रोबेबल अक्टूबर या नवंबर में आ जाएगा. फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन कब होगा, वो होगा 13 नवंबर 2019, और इसका रिजल्ट कब आएगा, ये आएगा दिसंबर 2019. फिर आपका इंटरव्यू कब होगा, जनवरी या फेब में हो जाएगा 2020. और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट की डेट इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है 20 अप्रैल. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो देखिए, ये हमारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है. हमारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ लास्ट ईयर से 84 ज़्यादा है. ठीक है, और चलिए इसमें देखिए डिफरेंट हमारे बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसमें मैंने देखिए आपके कैटेगरी वाइज नहीं दिया, ये ओवरऑल वैकेंसीज़ है. ठीक, तो देखिए इलाहाबाद बैंक की 500 हो गई, इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया की 899 हो गई, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी दी हुई है. तो इसी तरह आप इसको देख सकते हो. अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल आपकी वैकेंसी क्या है, 4336 वैकेंसीज़ है, जो कि 84 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर. ओके, तो ये हमारी वैकेंसीज़ की. चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं. तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बता रहा है, इसमें दो पॉइंट है मेजर. एक है एज लिमिट के रिगार्डिंग, जो कि आपका होगा 20 से 30 साल के बीच में. और फिर उसके बाद बोल रहा है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. अब देखिए, कोई भी आपका फील्ड हो सकता है, दैट डजेंट मैटर. इट कैन बी BCom, इट कैन बी BA और इट कैन बी BSc, मतलब कुछ भी होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन बस होना चाहिए. अब देखिए, जो आपके PGDF वाले कोर्सेज होते हैं, जैसे केनरा बैंक का हो गया, तो उसमें आपका रहता है कि आपके कुछ परसेंटेज होने चाहिए. ज़्यादातर होता है 60% आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, बट यहाँ पे एक पॉइंट नोटिफाई करने का है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको मार्क्स के बारे में मेंशन नहीं है. आप बस पास आउट होने चाहिए, BCom BA BSc आपका कुछ भी हो सकता है, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एलिजिबिलिटी हो गया. अब एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, फॉर SC ST PWD 100 और जनरल एंड अदर्स है 600. ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है किसी भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. नेक्स्ट, फिर एज लिमिट की बात करते हैं. तो देखिए, इसमें एज लिमिट दी हुई है. देयर इज़ अ एज रिलैक्सेशन ऑफ अपर लिमिट फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स. CST की है 5 ईयर्स, OBC NCL की है 3 ईयर्स, PWD की है 10 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन की है 5 ईयर्स. ओके, और मिनिमम एज होनी कितनी चाहिए, वो होनी चाहिए 20 और मैक्सिमम होनी चाहिए 30. ठीक, अब देखिए ये आपका डेट भी इन्होंने दे दिया है कि दिस मीन्स कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 2nd August 1989 एंड नॉट लेटर दैन 1st August 1999. ठीक, तो ये आपकी एज लिमिट की बात हो गई. आगे बढ़ते हैं. तो फिर देखिए, हम अपना प्री एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं. ये लास्ट ईयर के जैसा ही है, कुछ भी इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है. इंग्लिश होगी आपकी फर्स्ट सेक्शन, 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स और टाइम होगा अलॉटेड 20 मिनट्स सेपरेटली.
फिर रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग सिमिलरली 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स और टाइम इसमें भी एलोकेटेड होगा 20 मिनट्स, देन कॉन 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स और टाइम कितना होगा, टाइम आपका इसमें होगा 20 मिनट्स। ओवरऑल अगर टाइम की बात करें तो वो 60 मिनट्स होगा, जो कि बायफिकेट हो जाएगा 3 सेक्शंस में 20-20 मिनट्स ईच सेपरेटली। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 100 और मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 100। अगर इसमें नेगेटिव मार्क्स की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 1/4 मार्क्स। अब देखिए इस वाले आपके IBPS PO और IBPS PO एंड SBI PO में आपका एक मेजर डिफरेंस क्या है, अगर आप इसमें देखो आपके SBI PO में आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है, आपके इधर इंग्लिश में कितने भी मार्क्स आए, आप अगर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप पास आउट हो। बट देखिए इट इज़ नॉट लाइक दैट इन IBPS PO में आपको सेक्शनल भी अपनी कट ऑफ क्लियर करनी और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखना कि SBI के जैसे इसमें नहीं है, SBI में तो हमारी कुछ भी ओवरऑल सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ थी, हमारी सेक्शनल की कुछ बात नहीं हुई थी। बट यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर था कि आपका सेक्शनल भी कट ऑफ होगा और आपका ओवरऑल होगा, इस साल भी वही पैटर्न फॉलो है कि इंग्लिश रीजनिंग क्वांट में आपको सेक्शनल भी निकालना है और उसके बाद जो ओवरऑल रिलीज़ करेंगे वो भी आपको निकालना है। अब जो ये आपका प्री एग्जामिनेशन है, ये आपका होगा क्या, ये आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर, ठीक, बस आप इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसका आपके मार्क्स मेंस में जुड़ेंगे नहीं, ठीक। अब मेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, मेंस में आपका क्या आएगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और टाइम एलोकेटेड सेपरेटली होगा 60 मिनट्स। अब देखिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड अभी तक तो एग्जामिनेशंस में ज़्यादा पूछा नहीं गया, रीसेंट वाले अगर आप 2018 और 2019 के अभी जो SBI का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा नहीं गया, और अगर पूछा जाएगा तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं पूछ लेगा हाई लेवल का, वो होगा बेसिक लेवल का, मे बी आप कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछ सकता है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो इसके होंगे 45 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स होंगे और टाइम होगा 60 मिनट्स। सिमिलरली इंग्लिश की बात करते हैं, 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड टाइम कितना होगा, टाइम होगा 40 मिनट्स। फिर DI एंड एनालिसिस होगा, 35 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स होंगे 60 एंड आपका टाइम लिमिट होगा 45 मिनट्स। सिमिलरली जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस होगी, 40 क्वेश्चंस और टाइम आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा 40 एंड टाइम आपका होगा 35 मिनट्स। अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 155 एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके हो जाएंगे 200 और टाइम हो जाएगा 300। अब देखिए इसके जस्ट बाद होगा, इसमें आपको 5 मिनट का भी गैप नहीं आपको मिलेगा, आप जैसे ही इस वाले अपने ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम को करोगे उसके तुरंत बाद आपकी स्क्रीन में डिस्क्रिप्टिव खुलकर आ जाएगा, और ये कुछ रिटर्न नहीं आता, ये आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर में। और इसमें आता क्या है, लेटर राइटिंग एंड एसे आता है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक लेटर के और एक एसे के, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होता है 25 और अगर टाइम लिमिट की बात करो तो वो होता है 30 मिनट्स। देखिए SBI में तो 150 वर्ड्स आया था फॉर लेटर भी एंड फॉर एसे भी, ठीक। अब IBPS में थोड़ा बढ़ा सकते हैं या नहीं भी बढ़ा सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते, वो तो आपको एग्जामिनेशन में जाके ही पता चलेगा, पहले से नोटिफिकेशन में नहीं रिलीज़ होता है। आपको जब क्वेश्चंस खुल के आएंगे तो आपको लिखा रहेगा कि लेटर आपको कितने वर्ड्स का लिखना है या आपको ऐसे कितने वर्ड्स का लिखना है, ओके। अब देखिए इसमें सेलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्री एग्जामिनेशन होगा जो आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। अब मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे और इसी के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होगा, ओके। तो इसमें 3 स्टेप हैं, आपके प्री एग्जामिनेशन, देन मेंस एंड देन आपका इंटरव्यू। सो ये हमने डिस्कस कर लिया अपनी IBPS PO की नोटिफिकेशन के बारे में। अब चलिए हम अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्कस करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप अपना SBI क्लर्क का एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा 10th of August को, उसके बाद देखिए हम करेंगे क्या, उसके बाद हम मंडे से अपनी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, मंडे से हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी फॉर रीजनिंग। अब रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट होगी, हम चलेंगे कैसे, हम चलेंगे बेसिक टू हार्ड लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल, हम सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप SBI का दे लो, उसके बाद मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगी फ्रॉम मंडे। अब देखिए बेसिक आपका ज़रूरी होना चाहिए, अगर आपका बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एडवांस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक पे अपने देखेंगे और उसके बाद हम उससे जाएंगे एडवांस लेवल में। अब देखिए इसके कुछ सारे फ़ायदे होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे कि जैसे मान लीजिए हम बेसिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेट से मैंने आपको बॉक्स पजल सॉल्व कराई,
लीनियर सॉल्व कराई, डबल लाइन सॉल्व कराई, सर्कल में इनसाइड आउटसाइड सॉल्व कराया, कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे। अब आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा वीक पोर्शन है। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अगर पजल को बनाते हो आधा और स्टक हो जाते हो तो आप क्या रीज़न होता है कि आप स्टक हो जाते हो, या आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए पजल को सॉल्व करने की। तो अगर आप बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो एडवांस कितना भी बॉक्स, अगर मान लीजिए बॉक्स बेसिस पे एडवांस आ जाए फॉर एग्जांपल, तो अगर आपका बेसिक कुछ भी क्लियर चीज़ें हैं आपकी तो आप एडवांस कर लोगे। तो इसलिए बेसिक स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, सिर्फ एडवांस नहीं करेंगे, ताकि हमारे और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट करें वो लोग भी इस वाले सीरीज़ को फॉलो कर सके, ताकि उनका भी बेसिक जब क्लियर होगा तभी वो लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब डिफरेंट टाइप की मैं पजल सॉल्व कराऊंगी तो आपको अप्रोच पता चल जाएगा, आपको अप्रोच भी पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस पजल, कौन सी आपकी वीक है, जो आपकी वीक होगी उसको आप और स्ट्रांग बना सकते हो, उसको और ब्रशअप कर सकते हो, बाय नोइंग कि आपकी होना क्या चाहिए, आपको किस तरीके से पजल को सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें हम सिर्फ पजल के नहीं, हम अपने और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आपके सिलॉग्स हो गया। तो देखिए इसमें मैं सिलॉग्स में आपको जो अभी डाउट है फ्यू, ओनली फ्यू और आ फ्यू वाले क्वेश्चंस में उसको डिस्कस कर लूँगी। इन इक्वालिटी भी हम सॉल्व करेंगे, हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी करेंगे। फिर जब हम एडवांस की बात करेंगे, एडवांस क्या हम बेसिक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे डीएस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हम डीएस के बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, फिर बेसिक से हम एडवांस भी जाएंगे। मतलब हम इस वाली अपनी सीरीज़ में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और देखिए अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, मंडे से हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उस सीरीज़ को फॉलो करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में। क्योंकि देखिए प्री एग्जामिनेशन की अगर आप बात करते हो तो प्री में आपको स्पीड बननी चाहिए। अब स्पीड आपकी बनेगी कैसे, स्पीड आपकी बनेगी प्रैक्टिस से। और अगर आप मेंस की बात करते हो तो उसमें स्पीड थोड़ी बहुत मैटर करती है, बट जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो आपका कॉन्सेप्ट मैटर करता है। और कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट आपका बनेगा कि जब आप बेसिक से, देखिए धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी चाहिए, अगर आप छलांग मारोगे तो मे बी आप गिर जाओ। तो हम पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से हम चलेंगे ऊपर। तो बेसिक से हम एडवांस चलेंगे और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ये सीरीज़ मैं मंडे से स्टार्ट करूँगी, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करना। और इसमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो कि जो मंडे के से सीरीज़ स्टार्ट होगी उसमें आप क्या टॉपिक चाहते हो कि अपने वीडियोस में। ओके, तो हम सिर्फ पजल यहाँ पे नहीं सॉल्व करेंगे, हमारे जो अदर क्वेश्चंस होते हैं प्री के भी, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे मेंस के भी, जितने क्वेश्चंस आते हैं न्यू पैटर्न के, इनपुट आउटपुट के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम हर पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। और मंडे से सीरीज़ आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्टार्ट हो जाएगी। तो यही था, ये मेरा प्लान था कि मंडे से हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। और देखिए आप बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन सारे जो अभी मैंने नोटिफिकेशन आपकी डिस्कशन करी इसमें मैंने आपको वो नहीं बताया कि हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्यों थी, क्या थी। तो देखिए मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताई क्यों नहीं, उसका कुछ रीज़न है। देखिए आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ करके करोगे क्या, लेट से प्रीवियस ईयर आपका पेपर बहुत मॉडरेट लेवल का आ गया, ठीक, तो आपकी कट ऑफ देखिए लास्ट ईयर अगर आप जानना चाहो तो मैं बता दूं प्री की कट ऑफ गई थी 56.50 फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक, आप लेट से आपका पेपर था मॉडरेट, आपकी कट ऑफ गई 56.50। फॉर एग्जांपल इस बार आपका पेपर बहुत इजी आ जाए, ठीक, और आपकी कट ऑफ क्या 56.50 जाएगी, नहीं ये आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको प्रीवियस ईयर से करना ही क्या है, आप बस एग्जामिनेशन में जब बैठो तो आपको ये सोचना है कि आपको 100% देना है। आप किसी सेट ऑफ माइंड से मत बैठो कि मुझे 80 के 80 करना है। मान लीजिए पेपर आपका बहुत हार्ड आ गया, मान लीजिए आपके पहले वाली शिफ्ट में पेपर आपके ईजी आए बट आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड आ गई, आपके पहले जो ईजी शिफ्ट में थी उसमें बच्चों ने 80 किए बट आपकी हार्ड आ गई उसमें मुश्किल से 60 क्वेश्चन भी करना बहुत बड़ी बात है, बट आप सोच रहे हो 80 करने हैं मुझे 80 करने हैं, तो आप करोगे क्या, आप इंग्लिश में तुक्के मारोगे, मे बी आप रीजनिंग में मारो, रीजनिंग आधी पजल सॉल्व करो फिर आप सोचो कि हाँ ये आगे मेरी बन जाएगी, आप उसमें टिक कर दोगे, आप मैथ्स में तुक्के मारोगे। तो आपको प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं लेना देना है, आपको बस ये सोचना है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठो तो आपको अपना पूरा 100% देना है, कि इससे ज़्यादा आप, मतलब आपको 100 क्या, मैं तो कहूँगी आपको अपना 110% देना है। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ थी उस पर नहीं, क्योंकि कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, कट ऑफ आपके डिपेंड करती है आपके डिफ़िकल्टी लेवल पे। आपको ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो आपका लेवल लास्ट ईयर आया था वही इस साल भी आए,
वो इधर या तो इजी लेवल कर देंगे या तो हार्ड लेवल कर देंगे। अभी से तो आपको कुछ पता नहीं है, तो आप इसमें कुछ अपना माइंड सेटअप मत करो कि मैं 60 क्वेश्चन कर लूँगा तो मैं पास आउट हो जाऊँगा। मान लीजिए आपका इजी आ गया, तब आप कैसे 60 में निकालोगे एग्जाम, 60 में आप नहीं निकाल सकते। इसलिए आप कोई अपना माइंड सेटअप मत करो कि आपको कितने क्वेश्चन करने, बस आप ये सोचो कि मैं अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर स्कोर। तो मैं यही कहूंगी कि आप कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दिया करो कि लास्ट ईयर कट ऑफ, नो डाउट आप एक बार बेसिक आइडिया ले सकते हो कि आपकी कट ऑफ कितनी गई, बट आप ये मत सोच लो कि मुझे बस इस बार भी इतना ही लाना है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल पे होती है ना चीज़ें। आपके कट ऑफ जो होता है डिसाइड, वो आपका डिफ़िकल्टी लेवल पे होता है। ये नहीं होता है कि लास्ट ईयर इतनी गई थी तो इस साल बढ़ेगी या इस साल घटेगी, तो कुछ डिपेंड नहीं होता, कुछ फिक्स नहीं होता आपका। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।